ब्रह्मा कुमारी संस्था के सेवा केंद्र जहां देश के कोने कोने में तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं ऐसे दूर दराज स्थान जहां संस्था के सेवा केंद्र नहीं है, ऐसे इलाकों के लिए एक खास तरह की मोबाइल वैन संस्था ने बनाई है, जिसके जरिए कई आध्यात्मिक और सामाजिक सेवाएं की जाएंगी। देखने में तो ये छोटी सी मोबाइल वैन है, लेकिन ये अपने आप में एक हाईटेक तकनीक से लैस पूरा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र ही है। इस वैन में काफी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी है, जो विभिन्न वीडियो और ऑडियो के माध्यम से लोगों को नशा मुक्ति, शाश्वत योगिक खेती, तनाव मुक्त जीवन जीने की कला, पर्यावरण के प्रति जागरूकता के साथ ही कई आध्यात्मिक संदेश देगी। वहीं वैन की दूसरी तरफ कुंभकर्ण की स्वचलित झांकी भी बनाई गई है, जो लोगों को परमात्मा संदेश देगी। आपको बता दें, इससे पहले भी अक्टूबर में संस्था की ओर से इसी तरह की एक मोबाइल वैन जम्मू कश्मीर के दूरदराज के इलाकों के लिए भेजी गई थी और आज इसी कड़ी में इस नई मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है, जो राजस्थान के गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर लोगों में जागृति फैलाएगी। इस कड़ी में ब्रह्मा कुमारीज के आबू रोड शांतिवन में ब्रह्मा कुमारीज चीफ दादी रतन मोहिनी जी ने संस्था को एक और नई कॉम्पैक वैन की सौगात दी। दादी जी ने वैन का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया और सेवाओं के लिए रवाना किया। यह वैन किस तरह से लोगों के बीच सेवाएं करेगी, वैन में क्या कुछ नया है, इस सिलसिले में इस न्यूज ने बात की वैन के चालक बीके सचिन भाई जी से। आज मनुष्य कुंभकर्ण यानी अज्ञान की निंद्रा में सोया हुआ है, तो उसे जगाने का ये कुंभकर्ण शो का प्रयास करता है और ये मोबाइल वैन स्कूल में कॉलेज में जाकर सभी को नशा मुक्ति, ग्राम योगिक खेती, परमात्मा संदेश ये परिचय दिया जाता है। भाई जी, इसमें क्या खास टेक्नोलॉजी है कि आप प्रदर्शनी के जरिए, जैसे हम देख रहे हैं कुंभकर्ण की प्रदर्शनी, क्या क्या इसमें खासियत है कि आप उनको कैसे इससे मैसेज देंगे? इसमें एक बड़ा एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है, जहां पर हम उसे उनमें हम बताते हैं कि नशा मुक्ति के ऊपर वीडियो भी दिखाते हैं और उसमें क्या क्या परिणाम होते हैं वो जानकार देते हैं, साथ ही साथ है ना तनाव मुक्त कैसे रह सकते हैं उसके ऊपर भी वीडियो है, वो जानकारी भी देते हैं, जो परमात्मा की याद में खेती कैसे करना है, ऐसे हर एक जानकारी एलईडी शो दिखाकर हम ये जानकारी देते हैं और जो देखने वाले हैं उनको भी बहुत अच्छा महसूस होता है। तो जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी सारे सामाजिक मुद्दे आप इससे, जैसे नशा मुक्ति है या तनाव मुक्ति है या महिलाओं को जागृत करेंगे, तो कहाँ कहाँ जाएगी ये वैन? आपने बताया जैसे कुछ स्कूलों में। तो अभी यहाँ इस वैन की शुरुआत राजस्थान में होगी, पूरा राजस्थान हम कवर करेंगे। अभी देवगढ़ से शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद में हम पूरा राजस्थान में ये सेवा करेंगे। आपने किस तरह से इस वैन को लेकर गए और किस तरह से सेवा की, लोगों का क्या रिस्पांस रहा? विशेष रूप से इस वैन के साथ हम ज़्यादातर हम किसानों की सेवा के लिए जाते रहे हैं, तो जैसे कि हम देखते हैं कि आज भारत में ग्रामीण क्षेत्र में खेती तो किसान करते हैं, लेकिन खेती से संबंधित बहुत बड़ी समस्याएँ आज उपस्थित हो रही है, जो कि आज जैसे कि हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, एनवायरनमेंट में जितना चेंज हो रहा है, तो उसके कारण किसान भी आजकल बहुत परेशान हो रहे हैं। समय पे बरसात नहीं होती, या जो भी प्रशासन की ओर से हो या अपनी कमजोरियों के कारण हो, तो हम इस वैन के द्वारा क्या करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, किसानों को आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, पहले तो उनका मनोबल ऊँचा होना चाहिए, तो हम बढ़ाने का काम ये आध्यात्मिकता के द्वारा करते हैं और साथ साथ जैसे प्राकृतिक रूप से खेती करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। इसके लिए विशेष रूप से हमारे ब्रह्मा कुमार इसके ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा जो शाश्वत योगिक खेती की विधि बनाई गई है और प्रैक्टिकल में वो खेती करने वाले जो किसान हैं, जैसे हम भी उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो हम अपने अनुभव शेयर करते हैं किसानों के साथ, तो किसान जब सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये जो विधियाँ हम उनको बताते वो नई नहीं होती, पूर्वज उसको करते आ रहे हैं और जब वो रियलाइज करते हैं कि हम कहाँ तो गलत कर रहे हैं, तो वो भी चेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी अक्टूबर में संस्था की ओर से इस तरह की एक मोबाइल वैन जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों के लिए भेजी गई थी और आज इसी कड़ी में इस नई मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है, जो अब राजस्थान के गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर लोगों में जागृति फैलाएगी।